सो हे गाइस, आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में क्या सजेशन दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है। तो जितने भी लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वरीड है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, देन जस्ट डोंट वरी, बिकॉज इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलने की, कुछ गाइडेंस मिलेगा। सो जस्ट डोंट वरी। तो थोड़ी टाइम के लिए आप अपनी एनर्जी को थोड़ा प्योर करिए, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, अपने माइंड को थोड़ा शांत करिए एंड जस्ट फोकस ऑन दीज कार्ड्स, ठीक है। आपको सिंपली अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की ट्राई करनी है, ठीक है, एंड देखते हैं क्या मैसेज मिलता है। चलिए एक कार्ड पिक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सो कार्ड आया है आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। गाइस, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है, ठीक है। यही इस वक्त यूनिवर्स आपको बता रहा है। तो जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड अपने इंट्यूशंस के ऊपर आप डाउट मत करिए, ठीक है, बिकॉज आपके इंट्यूशन आपको राइट डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। सो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, डोंट वरी। देखते हैं दूसरा जो मैसेज है वो क्या मिल रहा है आपको। लेट्स शफल दी कार्ड्स। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, एंड जस्ट जो भी गाइडेंस आज मिलता है ना उसको आप एक बार फॉलो करके ज़रूर देखना एंड जस्ट एक्सपीरियंस करना कि आपको उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए दूसरा मैसेज क्या आता है अब यहाँ पे। ओके ओ माय गॉड, ये देखिए एक कार्ड अपने आप पॉपअप हो गया आ गया, एंड लुक एट दिस, लिसन To your intuition. This is the first time के दूसरे कार्ड में भी, दूसरे डेक पर भी सेम रीडिंग आई है। दिस इज़ वेरी रेयर, ऐसा बहुत कम बार होता है गाइज के दोनों कार्ड पे सेम मैसेज आना। सो दिस इज़ द वेरी बिग साइन कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपने इंट्यूशन के ऊपर ही आपको ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स आपको स्ट्रोंगली बोल रहा है गाइज, तो जितने भी लोग हैं आपके इंट्यूशन से अगर आपको इस वक्त कुछ बोल रहे हैं ना, जस्ट गो ऑन दैट, ठीक है। दोनों कार्ड सेम चीज़ बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, हैव फेथ एंड जस्ट कीप गोइंग, ओके। सो बस यही थी आज की इस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग भी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।